It feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. So guys, in today's video, I'm going to share my blingy makeup look. And you guys, new year makeup look. You can carry it on new year. Pe. And in any party, DJ party. Mein. And guys, this is a very good and simple, sa, cute makeup look. I have applied glitter in green color. Ka. And guys, please subscribe my channel if you like the video. And please hit the bell button. So, whatever my video upload, you will get notification before and you will see my video. So guys, please subscribe my channel and please like this video also. And now, let's see how I have created this makeup look. So guys, सबसे पहले मैं अपना eye makeup शुरू करूँगी. सबसे पहले मैं यहाँ पे use करूँगी Swiss Beauty का concealer. And यहाँ पे मेरा shade है 02. And guys, ये बहुत affordable concealer है. आप जरूर try करें Swiss Beauty के concealers. And मैं इसे अच्छे से अपने eyelids में apply करूँगी under my eyes. And अपने eyelids पे भी. गाइस मैं यहां पे ले रही हूं वेट ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने कंसीलर को जिससे कि मेरे कोई भी डार्क सर्कल्स ना दिखें. मैंने देखिए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने कंसीलर को, आप देख सकते हैं. गाइस नाउ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहां पे यूज कर रही हूं कलर बार का कॉम्पैक्ट. एंड गाइस यहां पे मेरा शेड है 00 005 10. एंड मैं इसे अच्छे से अपने आईज पे अप्लाई करूंगी जैसे कि मेरा आईज बेस पूरा सेट हो जाए. गाइस आईशैडो पैलेट के लिए मैं यहां पे यूज कर रही हूं वेट मेल का आईशैडो पैलेट. एंड गाइस मैं यहां पे यूज करूंगी ट्रांजिशन कलर. यहां पे मैं ट्रांजिशन कलर लूंगी, लाइट वाला शेड लूंगी एंड इसे अच्छे से अपने इनर कॉर्नर्स को लेके अपने इनर आउटर वी के लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. दोनों आईज में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं इसे. देखिए मैंने लाइट थोड़ा ब्लेंड कर दिया. मैं ज्यादा ट्रांजिशन कलर नहीं लूंगी बिकॉज़ गाइस मैं इसी पैलेट में से थोड़ा ग्रीन शेड लूंगी एंड इसे अच्छे से अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूंगी. आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करा है. गाइस मैं अच्छे से अप्लाई कर ली हूं अपने हैंड से एंड गाइस जो फॉल आउट हो रहा है मैं इसे पूरा क्लीन कर लूंगी वेट वाइप से. डोंट माइंड दैट. मैं अच्छे से अपने देखिए आप ग्रीन कलर एंड इसे अच्छे से मैं अपने फिंगर टिप से अप्लाई करूंगी. थोड़ा शिमरी शिमर है इसमें सो फॉल आउट ज्यादा हो रहा है गाइस. एंड इसे अच्छे से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी जिससे कि क्लीन एंड अच्छा लगे मेकअप. आई मेकअप देख सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहां पे वेट वाइप ले रही हूं. मैं इसे पूरा जो फॉल आउट हुआ है इसे मैं क्लीन कर लूंगी. अपने इनर कॉर्नर्स पे भी थोड़ा लग गया है, इसे क्लीन कर लूंगी. सो गाइस नेक्स्ट मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहां पे यूज करूंगी वाओ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर वाला फेस मॉइस्चराइजर. ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है. इसे अच्छे से थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. तो गाइस प्राइमर के लिए नेक्स्ट मैं यूज करूंगी स्टे क्वॉकी का प्राइमर, स्टे क्वॉकी. ओके सो नेक्स्ट मैं इसे थोड़ा सा लेके अपनी क्वांटिटी में, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, मैं इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अच्छा से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड इसे अच्छे से मसाज कर लिया अपने फेस पे. नेक्स्ट गाइस फाउंडेशन के लिए मैं यहां पे यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. एंड गाइस यहां पे मेरा शेड है गोल्डन बेज एंड मैं इसे अच्छे से एक स्पूली के साथ इसे ऐसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. गाइस मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने फेस पे. मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे. नेक्स्ट
नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। एंड यहाँ पे गाइस मैंने पहले बताया था मेरा शीट है 02 एंड इसे अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी, अपने नोज पे, लिप साइड पे एंड फोरहेड पे। एंड गाइस मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने अंडर आईज़ पे पूरे से। कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बा का कॉम्पैक्ट एंड मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी जिससे मेरा मेकअप बेस सेट रहे अच्छे से। नेक्स्ट मैं अपने आईज़ में करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काजल्स एंड यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर का काजल है एंड ग्रीन कलर का काजल, थोड़ा ड्रामेटिक अपना मेकअप करेंगे सॉरी। सो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ब्लू है, ये वाला मेरे पास है लैक्मे आइकॉनिक का एंड ग्रीन इन द शेड स्टे कोकी। एंड यहाँ पे मेरे पास दोनों शेड्स हैं, सबसे पहले मैं ग्रीन वाला लूँगी एंड इसे अच्छे वॉटलाइन में अप्लाई करूँगी अपने। मैं अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने। दोनों काजल लेके ऐसे अच्छे से नीचे अपने वॉटलाइन पे स्मच कर रही हूँ इसे। देन आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है, देन मैं इसमें थोड़ा सा इसे स्मच कर लूँगी अच्छे से। दोनों काजल को लेके अच्छे से अपने वॉटलाइन पे स्प्रेड कर लिया है एंड स्मच कर लिया। आप देख सकते हैं ये थोड़ा कलर मेरा इतना थोड़ा ड्रामेटिक एंड अच्छा लग रहा है एंड दोनों का कलर थोड़ा डार्क ग्रीन सा हो गया है, ब्लू मैंने ब्लू एंड ग्रीन थोड़ा मिक्स करा है एंड इसे अच्छे से स्मच कर लिया है मैंने। इसका इसमें अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। मैं इसमें से एश ब्राउन मेरा शेड है एंड मैं इसे लेके अच्छे से अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। आप मिस क्लेयर का भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में है। यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर ली है। नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलोसल मस्कारा, अपने लोअर लैश में लैश लाइन में इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड गाइस मैं इसे ऑफ कैमरा मैं आई लैशेज भी अप्लाई करूँगी, फॉल्स आई लैशेज, जिससे कि मेकअप थोड़ा ड्रामेटिक एंड अच्छा लगे। नेक्स्ट अपने फेस कॉन्ट्रो करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी शुगर का डी4 पैलेट एंड यहाँ मैं इसमें से ब्रॉन्ज शेड ले रही हूँ। सो गाइज अब मैं अपना कॉन्ट्रोलिंग करूँगी, अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी, अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से कॉन्ट्रोल करूँगी जिसके मेरा फेस थोड़ा स्लिम एंड अच्छा लगे। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्टे कोकी का ब्लश एंड गाइज यहाँ पे मेरा शेड नेम है एप्रिकॉट डेप 2, ये थोड़ा कोरल सा शेड है एंड ये मैट फिनिश में है। मैं इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी अपवर्ड मोशन में। नाउ गाइस हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैमेलॉन का डस्ट पाउडर, ये डस्ट शिमर पाउडर है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हाइलाइटर बहुत अच्छे लगते हैं फेस पे। मैं अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी एंड अपने चीक बोन्स पे एंड अपने लिप्स के नीचे भी थोड़ा अच्छा है हाईलाइट लगेगा फेस एंड थोड़े ग्लोई लगेगा एंड शाइनी लगेगा, तो मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसे अपने नोज़ पर भी। देन नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका की लिपस्टिक एंड यहाँ पे गाइस मेरा शेड है 15 ले पॉन्डी, ये बहुत अच्छा पिंकी सा न्यूट सा शेड है, गर्लिश के लिए बहुत अच्छा शेड है, आप ज़रूर ट्राई करें वाला शेड। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। देन आप शेड देखना गाइस बहुत प्यारा सा एंड बहुत सटल सा शेड है इसका, बहुत अच्छा शेड है। नाउ आई हैव ड्रेस्ड अप सो कम्प्लीट माई लुक। मैं यहाँ पे वेयर कर रही हूँ इयर रिंग्स, ये गोल्ड कलर आई गॉट इट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री। नाउ it.
शीशे काला है नक पाया काला, चंडीगढ़ तेरे करके आया नहीं तेरे दासी अंबाला, मुंडा में पंजाबी कुड़िया कहंदी ला 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 ला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट. सो गाइज टिल देन बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल.